हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और ये जो अपडेट हुआ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में एक एक करके सारी जानकारी को मैं बताता हूँ। इसमें से जो है गारंटी हो गया है कि अब इनको जॉब दिया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट में दिया जाएगा वो सब सारी जानकारी को मैं यहाँ एक एक करके बताता हूँ। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरीके से ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है डेट सबसे पहले तो आज का है, 16 मार्च 2022 का है, नोटिस दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड इट्स राइट ऑफ नोटिस इशूड अंडर रेफरेंस नंबर, आप देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं, 31/1/2022, इन रेस्पेक्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019। तो ये जो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर CAPFS और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF एग्जामिनेशन 2019 को लेकर के है। तो इसमें जो है टोटल ऑफ 83 कैंडिडेट्स पर्टेनिंग टू SSC ER रीजन हैव बीन फाइनली रिकमेंडेड टू वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है टोटल 83 कैंडिडेट्स जो कि स्टाफ सेशन कमीशन के ईस्टर्न रीजन में जो है 83 कैंडिडेट्स को फाइनली रिकमेंड कर दिया गया है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफिस के लिए। तो इनको जो है संबंधित डिपार्टमेंट के लिए इनको सिलेक्ट कर लिया गया है। ये बहुत ही अच्छी और अच्छा न्यूज है। तो द डोजियर ऑफ ऑल 83 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बिन फॉरवर्डेड टू द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि टोटल 83 कैंडिडेट्स का जो फाइल है, डोजियर मतलब जो फाइल है, वो अब रिलेटेड जो भी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वहाँ पर भेज दिया गया है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है ये अभी लिस्ट दे दिया गया है। तो आप लोग जो है अपना नाम को यहाँ पे सर्च कर लेंगे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। तो इसके बारे में बताता हूँ एक एक करके यहाँ पे आगे में और क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुण कुमार सरकार डिप्टी डायरेक्टर भी है। तो टोटल 83 कैंडिडेट्स का जो है फाइल को फॉरवर्ड कर दिया गया रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिसेज में। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं डोजिर फॉरवर्डिंग स्टेट्स ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPFS असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जाम 2019। तो ये है, देखिए रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, साथ साथ जेंडर कैटेगरी भी दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, फिर ये सब सारी चीज़ें हैं, रैंक दिया हुआ है, नोडल ऑफिसर दिया है, और एड्रेस जो है या फिर डिपार्टमेंट जो है वो भी दिखा रहा है, और नॉमिनेशन लेटर एंड डेट दिया गया है। ये भी आप लोगों को दे दिया है कि डेट में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कौन से डेट में यह आया हुआ है नॉमिनेशन वाला। तो देखिए रोल नंबर आप लोग मिला लेंगे, अपना नाम भी यहाँ पे सारी चीज़ देख लेंगे, और देखिए ये पोस्ट जो है कहाँ पर दिया गया वो भी, और यहाँ पर नोडल ऑफिसर जो है वो आप लोगों का नाम दिया गया है, और साथ साथ में आप लोगों को कहाँ पर दिया जाएगा ये भी यहाँ पे साफ साफ कह रहा है। तो यहाँ पे BSF करके कुछ है, यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है नोडल ऑफिसर वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और देखिए इस प्रकार से आप लोग सारा चीज़ अपना नाम को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे CISF करके है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली ये है, और ये भी जो डेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये CISF था, इससे पहले वाला जो था वो BSF का था। देखिए यहाँ पे आप लोग साफ साफ अपना रोल नंबर को मिला सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी नाम दिया हुआ है, ये CRPF वाले में इनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे CRPF करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ये, और फिर इसका जो है नोडल ऑफिसर ये भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद है यहाँ पे आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे में, तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर भी देख लीजिएगा नोडल ऑफिसर है, फिर यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में है ये ऑफिस दिया गया है, और ये देखिए टोटल यहाँ पे 82 कैंडिडेट्स क्या दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ITBP का है, या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग देख सकते हैं, तो टोटल जो है यहाँ पर आप फिर लास्ट में 83 वाले देख सकते हैं यहाँ पे, ये SSB में मिला हुआ, देखिए सीमा सशस्त्र बल SSB में इनको मिला हुआ है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 83 कैंडिडेट्स का जो है फाइल को वो फॉरवर्ड कर दिया गया है रिलेटेड यहाँ पर मिनिस्ट्री में। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अब यहाँ पर जा करके आराम से उनको सारा चीज़ें कर लेनी है। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है SSC की ओर से। तो टोटल 83 कैंडिडेट्स हैं, वो अपना नंबर रोल नंबर को मैच करा लेंगे, और जहाँ भी आपको मिनिस्ट्री दिया गया है वहाँ पर जा करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो यही है, बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों को ध्यान रखना है।